नमस्कार, एक खुशखबरी सुनाओ। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। एक और खुशखबरी सुनाओ, मैं कोविड नेगेटिव हूँ। दो दिन के अंदर मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव भी होता है और उसी दो दिन के अंदर नेगेटिव भी आ गया, बिना कोई सिम्टम्स आए, बिना कुछ भी हुए। मैं सब ओके हो जाता हूँ, सारा चंगा हो जाता हूँ। ये खेल हुआ, जाना चाहेंगे क्यों? चलिए दिखाते हैं आपको कुछ वीडियो। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। अभी आगे बोला नहीं, कायदेस करो, कायदेस भैया। ठीक है तो पता ना, रिपोर्ट ना है बस। अभी तो 30 है ना, चल ना 31। हाँ 32-33। नहीं तो ऐसा कौन सा काम है तो फोटो खींचना नहीं लगा रही नहीं खींचनी है बस ये बोलो। हाँ चलो खत्म करो। नहीं खींचना मतलब आपने एक बार मना किया, उसने बंद कर दिया, उसके बाद भी आप आपकी अच्छाई भी नहीं डाल सकते। पहले मास ले गया भैया। नहीं डालनी अच्छाई पहनी है वो दिख गया। सवेरे जब से अतर से बिना मास्क पहले घूम रहे, बिना मास्क के पहले घूम रहे। अरे छोड़ो यार, अरे मेरे क्या यार, जब से आए तब से बिना मास्क के पहने सवेरे से घूम रहे। कितना भी करके आते बैठ रहे, कितना भी करके, लेकिन ये ऐसे लोग नहीं पहनेगा मास्क तो दूसरा कौन पहनेगा मास्क? अरे छोड़ो यार, वो कुछ नहीं कर रहा, आपको दिखाई नहीं रहा। हमने सिर्फ इनकी इनके लिए गाली लगाई, नहीं कर रहा। इस तरह से रिएक्शन होता है, इस तरह से रिएक्शन होता है। क्या कह रहे हो आप? अगर नहीं करवाएंगे तो हम बैठ जाएंगे, ये कह रहे हो आप? ये देख रहे हो आप? अच्छी जगह बैठे हो बस, ठीक है। धमकी चीजें नहीं दी जाती हर चीजों पे। देखा आपने वीडियो? इस वीडियो में देखिए कि कितनी भीड़ है। ऐसे कई जगह से भीड़ है, भीड़ की वीडियो है। मैं आपको अनगिनत वीडियो ऐसे दिखा सकता हूँ। कुछ और वीडियो देखिए हमारे पास। ये देखिए, कोरोना का जांच हो रहा है प्रत्याशियों का, कोरोना जांच हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बढ़िया पालन हो रहा है थाना अदलहार जमालपुर ब्लॉक में। इससे बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगा भाइयों। आप लोग देखिए, मोदी जी आप भी देखिएगा, चुनाव आयोग भी देख ले। ऐसा ही चुनाव आयोग होता है, ऐसे ही इलेक्शन करवाया जाता है, ऐसे ही देश से हमारे कोरोना भागेगा। आप लोग देख लीजिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है। ये देखिए, ये लाइन देखिए, ये भेड़ बकरी की तरह आदमियों को देखिए, ये इंसान मरने के लिए खड़े हैं यहाँ। मोदी जी देख लीजिए, आप भी देखिए, पूरी दुनिया देख लेगी। देख लीजिए ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, देखिए मुड़ी से मुड़ी सटा हुआ है, आदमी से आदमी सटे हुए हैं। ऐसे ही होगा क्या कोरोना का जांच? यहाँ थाना प्रशासन सबके सब बेकार हो चुके हैं। अस्पताल की सुविधाएं कुछ नहीं है, अस्पताल की सुविधाएं भी कुछ नहीं है। लोग दो दो दिन से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। हाँ देखिए, ये है सोशल डिस्टेंसिंग हमारे हिंदुस्तान का। मोदी जी बिना माँ बाप के हैं, ठीक है, बिना बेटी बेटा के हैं, ठीक है, लेकिन बाकी लोग तो यहाँ बेटी बेटा वाले हैं। मोदी जी इनके बारे में सोचिए। आप लोग ये कौन सा फरमान लगा दिए? जिसको कोरोना नहीं है उसको भी आप लोग कोरोना करवा रहे हैं। 100% कोरोना नहीं होगा तो क्या होगा?
इसका जिम्मेदार भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है। जय भारत। जब भी ऐसी वीडियोस देखते हैं तो मन में अजीब सी चीज होती है कि क्या हो रहा है, ऐसे सिस्टम चलता है। खैर, हम सरकार को दोष बाद में देंगे। आज मेरा मोटिव है, हालांकि नहीं कहना चाहिए, हो सकता हो यहाँ पर कई सारे लोग मुझे देशद्रोही वो घोषित करते हैं, कुछ भी करते हैं, मुझे पता है फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी डॉक्टर्स बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पर सिर्फ एक उस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जिसने आज जो किया है। इसकी वजह से अगर मेरा मेंटल लेवल सही नहीं होता या मैंने यहाँ आके दोबारा से अपना टेस्ट नहीं करवाया होता तो मुझे अपने आप को आइसोलेट करना पड़ता, मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो जाता। अब ये तो वो चीज हो गई कि हम उनकी बात माने, यानी रिपोर्ट हम टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट का रिपोर्ट को हम लोग माने या ना माने, यहाँ पर दो चीजें जाहिर करते पड़ती है। हुआ यूं कि मैं टेस्ट कराने गया, टेस्ट के लिए लंबी लाइन लगती है, मैंने नंबर लगाया, फिर 3 घंटे बाद मेरा नंबर आया, मैं नंबर के बाद मैंने टेस्ट करवाने के लिए मेरे फादर थे उनकी वीडियोग्राफी मैं करने जा रहा था कि अपने लिए लोगों को दिखाने के लिए कि फादर ने हमारे RT-PCR करवाया। एट द सेम टाइम वहां पर जितने भी जो भी वर्कर्स थे उन्होंने सबने चिल्लाना चालू कर दिया। एक चीज आपने इस पूरी वीडियो में सुनी होगी कि जो मेन एक डॉक्टर था या जो भी सो कॉल्ड व्हाटएवर सिर्फ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, दोपहर तक जब तक हम थे वहां पर तब तक उसने मास्क नहीं पहना, राइट। दूसरी चीज, कोई दूसरा कैंडिडेट आता है जिसने सोर्स लगाया, हमें पता है उत्तर प्रदेश में सोर्स बहुत लगता है, इवन हमारे ही कहीं ना कहीं हम भी काम ऐसे करते होंगे, तो वो पीछे के रास्ते से काम हो जाते हैं, ठीक है वो चलता है। पर जब मैंने वीडियो बनाने लग गया तो वहां पर ऐसा क्या गलत काम चला था कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, चिल्लाने लग गए लोग। मैंने क्या किया, मैंने उन पे एक्शन इस ले लिया, मैंने कहा बताइए क्यों अलाउड नहीं है। उनसे पूछा कि क्यों अलाउड क्यों नहीं है, ऐसा कहां लिखी है नोटिस। इवन मेरे साथ कई लोग और थे जिन्होंने ये बोला कि अलाउड क्यों नहीं है, जरा बताना ऐसा क्या गलत काम हो रहा है वहां पर। आप लोग वीडियो देखोगे, उस वीडियो में साफ साफ दिखेगा कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे, बस ऊपर से हल्का सा घुमा के निकालते रहे, मतलब टेस्ट का एक कोरम पूरा हो रहा है। कोरम पूरा करने के लिए मतलब दिखाना है कि इतने RT-PCR करा रहे हैं, पॉजिटिव रेट घटानी है। यार क्यों कर रहे हो आप ऐसा, फिर क्यों लोग RT-PCR कराने जा रहे हैं? या तो आप दिखावा बंद कर दो, काम ही करना बंद कर दो, दिखावा क्यों कर रहे हो कि नहीं करवा रहे, क्यों डेटा ऐसे डेटा, ये है ग्राउंड रिपोर्ट जहां पर डेटा छुपाया जा रहा है। अब मुद्दे की बताते हैं, जैसे आपने इस वीडियो देखी इसके बाद एक और चीज बोली गई, मेरे पीछे से पब्लिक ने आवाज उठाना चालू की भैया इसका थोड़ा सा देखना, लेकिन ये मत कर देना कि इसका पॉजिटिव मत कर देना, पता चला पॉजिटिव हो जाए आप लोग उसका बदला ले लो। यही हुआ वहां पर। 28 तारीख को मैंने रिपोर्ट अपनी टेस्ट करवाया और आज 1 तारीख शाम को शायद जनरेट हुआ होगा, पर 2 तारीख को मुझे पता चला, मेरे पास कोविड टीम की कॉल आई और उन्होंने होम आइसोलेशन के लिए बोला, मैंने गुड। मैंने 30 तारीख को मैं यहाँ आ चुका था, आज 2 तारीख है, तो मैं 30 तारीख को यहाँ आने के साथ ही मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया। 2 तारीख को मेरी आज वो भी रिपोर्ट आई, दोनों की रिपोर्ट 1 घंटे पहले कानपुर वाली आती है फिर गाजियाबाद वाली आती है ना। अब 1 घंटे का अंतर, जैसे 28 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई पॉजिटिव, मेरे दिमाग में टेंशन, मैं सोचा मैं पापा को कैसे बताऊं, उनको टेंशन हो जाएगी। जब तक मैं कुछ समझ पाता कॉल आई कोविड टीम की, उसके बाद ही 1 घंटे तक मेरी गाजियाबाद की रिपोर्ट आ गई, वो आई नेगेटिव। अब मैं इसकी बात मानू या उसकी बात मानू, ऐसे में तो मेरे फादर भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, मुझे तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब इसके लिए मैं प्राइवेट में जाके फिर वापस से खर्चा करूं और बताऊं, तो आप गवर्नमेंट में RT-PCR क्यों कर रहा हूं? मैं उनकी बात मानू ही क्यों फिर? क्या झोल चल रहा है, क्या झोल चल रहा है आप लोग का? पता है कितनी मौतें हो रही हैं, आप लोग अपने राजनीति अपनी चीजों के चक्कर में क्या खेल खेल रहे हो पता है? कुछ नहीं पता, आप लोग को आइडिया नहीं हो रहा कि इस समय सिचुएशन कैसी है। दिल्ली में लोग सड़कों पर इलाज हो रहा है उनका। देखिए एक खबर ही की ये कैसे काम कर रहा है।
मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, मर गया हूँ सर, कल साल से भूखे प्यासे, मेरा पास ब्लड प्रेशर है, मेरा शुगर है, फिर भी भूखे प्यासे यहाँ पर खा रहा हूँ। देखिए सिलेंडर घसक नहीं रहा है, अब पूरा जितना लाइन है सब में कुचा रहा है, जा रहा है, अब पुलिस के बहन है, ये है, वो है, जा रहा है, क्या करेगा पब्लिक, क्या करेगा केजरीवाल, क्या करेगा मोदी, क्या देखेगा, ये पूरा देख नहीं रहा है दुनिया। मार दिया सबको, पत्नी बना दिया, गैस के लिए मर रहा हूँ, लाइन नहीं चल रहा है, भोरा से कितना लाइन चला है, कल के लाइन जब आज नहीं चला है तो कल आज वाला कब चलेगा सर। हमारे भारत की अंदर तीन बार जा चुका हूँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए कोरोना में कैसे बेहाल है पब्लिक, अपना अपना सिलेंडर लेके बेहाल है, कल से लाइन में लगा हूँ सर, एक भी किसी का देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, टेम्पो आ रहे, टेम्पो भर रहे, लेकिन अपने के लिए बोलिए, अपने सिलेंडर कंधे पे ला दो, अपने मरीज को अपने आप दे दो। देखा आपने, देखा आपने, ये गाजीपुर, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ये गाजीपुर में क्रेमेटोरियम हाउस है, इसका वीडियो देखिए, देख के आपकी आंखों में आंसू निकल आएंगे, देख के इतना भयावह मंजर, देखिए एक बार। ये गाजीपुर शमशान घाट है, आप देख सकते हैं कितनी चिताएं एक साथ जल रही हैं। ये मैदान है खाली, इसमें असली शमशान घाट दूसरी तरफ है। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सारे पार्टी के नेताओं से, निवेदन करता हूँ सारे अफसरों से, निवेदन करता हूँ हर एक व्यक्ति से, निवेदन करता हूँ सारे धर्मों से, ज्ञाताओं से निवेदन करता हूँ, ये समय नहीं है अपना अपना देखने का, ये समय है साथ में देखने का, एक दूसरे के लिए देखने का, जिसको जहां से जो भी सुविधाएं मिल रही है हो सके तो सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करें, सभी को मदद पहुंचाएं। सरकार भी अकेले नहीं कर पाएगी कोई भी काम जब तक हम सब नहीं कर पाएंगे। ये समय नहीं है सरकार को दोष देने का, ये समय बिल्कुल नहीं है किसी भी सरकार को दोष देने का, कोई भी सरकार एकदम से तैयार नहीं हो पाई। मैं मानता हूँ गलती एक साल पहले तक मौका मिला था उनको, उन्होंने की गलती, लेकिन ये समय नहीं है ना कि हम सरकार को खाली दोष दें। हमारा काम अभी, इतने ज्यादा डेथ्स हो रही हैं कि अगर हम सरकार को दोष देने बैठेंगे उतनी देर में 500 लोगों की और मृत्यु हो चुकी होगी। तो आपसे निवेदन करता हूँ जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों की मदद करें, इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और फेक ना पहुंचाएं, कोई भी चीजें फेक मत पहुंचाएं। अगर आप फेक पहुंचाएंगे तो दूसरे भी फेक वही कॉपी करके पेस्ट करें, कोशिश करें कि उसको वेरीफाई करके पहुंचाएं, इसी तरह जान बच सकती है लोगों की। बाकी तो सब नाम भरोसे, जय श्री राम।